बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उस दिन मैंने इस ग्रुप में पूछा था, कोको वाले ग्रुप में, कि किस बहनों को पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा तो बनाना सब किसी को आता है, अक्सर आता है, मगर बेकिंग ओवन का पूछा था किस तरह ओवन में बेक करते हैं। तो अक्सर बहनों को नहीं आता था और मैंने सीख लिया है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओवन को पहले प्री हीट कर लिया मैंने 10 मिनट। सारे बटन मैंने ना ऑन कर लिए थे, जैसे मैंने 10 मिनट प्री हीट करना था 10 मिनट टाइमर मैंने लगा दिया। और फिर जब मैंने सेंटीग्रेड 200 करना था इसका, तो फिर मैंने 200 सेंटीग्रेड कर लिया और फिर मैंने ऊपर और नीचे वाली ग्रिल दोनों ही चला दी। आपको बटन से अंदाज़ा हो जाएगा जहाँ ऊपर ग्रिल बनी हुई है और नीचे बनी हुई है, वो दोनों ही हैं। तो वो मैंने ऑन कर ली थी, तो जब प्री हीट हो गया तो फिर मैंने नीचे वाली ग्रिल ऑन की। वो मैं आपको आगे जाके समझाती हूँ, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और आपको मज़ीद एक्सपीरियंस के लिए वीडियो मिलेंगी इंशाल्लाह। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आपको मैं बता रही हूँ। पहले जैसे मैंने ऊपर और नीचे दोनों वाली चला ली थी ना ग्रिल, तो जब मैंने पिज़्ज़ा रखा तो फिर सिर्फ मैंने ये जो आपको नज़र आ रही है ना नीचे वाली, फिर सर पहले मैंने नीचे वाली चलाई 8 मिनट, ये चलाई, फिर 4 मिनट फिर मैंने दोनों नीचे वाली चला ली, ऊपर और नीचे वाली, क्योंकि वो ऊपर से भी इसको हीट देनी थी, ऊपर से भी पकाना था। और 200 सेंटीग्रेड पे मैंने रखा था। और आपको टाइमर का बता दूँ, टाइमर आप मोबाइल से देखिएगा या अपनी वॉच से देखिएगा। इसका मुझे कोई अभी तक ख़ास एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि ये इसका टाइमर कैसा है, बिल्कुल सही टाइम पे ऑफ होता है या ऑन होता है। तो मुझे टाइमर पे इतना नहीं सेटिस्फाइड हुई मैं, मगर बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले मैंने अपनी सिस्टर के पास गई, उसकी और कंपनी का था, फिर भी मैंने सीखा, नान खताई बनाई, बहुत अच्छी बनी थी। इंशाल्लाह वो भी आपको जल्दी सिखाऊंगी। उस दिन ग्रुप में मैंने पूछा था कि कौन कौन सी बहन को आता है, बहनों को आता है, मुझे गाइड कर दें, तो अक्सर बहनों को नहीं आ रहा था। तो आपने जो कुछ पूछना है मुझे कमेंट्स में पूछें, आप मेरे व्हाट्सअप पर आ जाएँ, जिस तरह भी पूछें ना आपको मैं पूरा गाइड करूँगी इंशाल्लाह। जो जो मैं बनाऊंगी ना, मैं साथ साथ वीडियो लगाऊंगी। और अगर आपको पिज़्ज़ा हट वाले पिज़्ज़े की वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा जो बनाया है ना, वो मैंने बस पूरी चीज़ें नहीं थी, फिर भी मुझे जुनून था कि ईद के दूसरे दिन से ओवन आया हुआ है और मैंने ट्राई नहीं किया, और फिर आज अल्लाह का शुक्र है मैंने ट्राई कर दिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उम्मीद है आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह हाफिज़। पिज़्ज़े की बेकिंग का टाइम 12 मिनट था। और नान खताई देखें जो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी सिस्टर के घर एक्सपीरियंस किया था।